हेलो दोस्तों, वेलकम बैक चैनल, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ हमें काफ़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई पड़ा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे वो कोच कैफेट एरिया, और वो ऐसा लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो है स्नैक्स या चाय वाय आपको जो है पीने के लिए मिल जाएगा। तो वहाँ पर चलेंगे और आपको दिखाते हैं। अभी ब्लॉग बना के निकल ही रहे थे कि सामने वो हमें दिख गया, और वहाँ पर चलेंगे और आपको दिखाते हैं कि वो क्या। जब यहाँ से हम लोग लौट रहे थे तो सामने आप देख सकते हैं कोच कैफेटेरिया, एक तरह का ये मानिए तो एक तरह का ये ट्रेन का एक डब्बा ही है, जिसे जो है कैंटीन का जो है रूप दिया गया है, और नाम इसका रखा गया है अन्नपूर्णा। वाराणसी में ऐसा माना जाता है कि कोई भी भूखा सो नहीं सकता है, उसी का नाम दिया गया है अन्नपूर्णा। काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ एक हमारे सर हैं, और इनसे पूछते हैं किसका ये कम मतलब कब से हुआ है सर उद्घाटन, इसका कुछ बताइएगा सर। 31-1 को हुआ है, 31-1 को इसका हुआ है उद्घाटन, और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। आपने कई सारे ब्लॉग देखे होंगे, पर बहुत सारे ब्लॉग में आपको जो है खाली ये कैंटीन दिखा के आपको छोड़ दिया गया होगा, पर वो सामने देखिए बच्चे लोग इंजॉय करने के लिए कितना अच्छा अच्छा झूला लगाया गया है, काफ़ी अच्छा है। तो क्या सर अंदर कुछ सर मिल रहा है सर खाने पीने के लिए, कुछ मिल रहा है कि नहीं, कि बंद है आज? अभी बंद है। और अभी बंद है भैया, अंकल जी बता रहे हैं कि अभी बंद है। बहुत उम्मीद लेके आए थे कि चलिए कुछ स्नैक्स करेंगे, पर उम्मीद पर पानी फिर गया, नहीं मिला। और काफ़ी अच्छा है, थोड़ा अंदर भी दिखाते हैं आपको सीन इसका। ट्रेन का जो है डब्बा ही है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये एक ओरिजिनल में ही कोच है, ये सीमेंट बालू से बनाया हुआ नहीं है, ओरिजिनल में एक कोच ही है। कोच को ये रूप दिया गया है कैंटीन का रूप। सोचे थे कि काफ़ी कुछ मिलेगा, पर पता चला कि आज ये जो है बंद है। हमारे साथ कुछ भैया हैं, उनसे बातचीत कर भी करेंगे और पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कुछ जो है खाने के लिए हम लोग को दिए भी है, क्या क्या कुछ जो है। जी आज इसको जी खुद यहाँ आके सोच रहे हैं इसको कैसे नए तरीके से स्टार्ट किया जाए। जी भैया, और अभी हम लोग पब्लिक से डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें पसंद है। जी भैया, तो कौन सी चीज़ें टेस्ट में अच्छी लगती है, कौन सा लोग सूखे में खाते हैं। जी सर, सारी चीज़ों को हम लोग मैनेज करते हुए कल से हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, कल से जी हम अलग भी करेंगे। जी भैया, जी वन मंथ के आसपास में या आगे थोड़ा सेट वगैरह लगा के जी भैया एक अलग ही माहौल इसको बना देंगे। जी भैया, जी भैया, आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम विशाल हुआ। ये जो है कल से शुरू हो जाएगा, और ये एक नया बात हमको यहाँ पर जो है पता चला है, और कल से शुरू हो जाएगा। हो सके तो कल मैं आपको आ करके यहाँ का जो है कुछ मैं डिशेज भी आपको मैं चेक करके बताऊँ। और क्या क्या मिलता है जैसे कि यहाँ पर एवरीथिंग मिलेगा, खाने का भी सामान सर, रेस्टोरेंट का आपको यहाँ पर सारा आइटम मिल जाएगा। और आप देख लीजिए ये जो है एक कोच का ही इसको एक रूप दिया गया है, पेंट्री कार। आप ट्रेन में बोलते थे कि पेंट्री कार देखें, पेंट्री कार, पर ये पेंट्री कार से भी काफ़ी जो है अनोखा इसको बनाया गया है। तो यही था, अभी बीटा से ब्लॉक करके हम लोग निकले थे और सामने हमको दिखा ये कोच कैफेटेरिया, तो यहाँ पर आ गए। सोचे कि आप लोग को यहाँ पर इसका भी दर्शन करा ही दें। और ये आपको भूलने की जगह नहीं है, सीधा आएंगे दानापुर स्टेशन, और वहाँ पर जो है आपको एक नंबर प्लेटफॉर्म के पास में जो है सीधे चलिएगा, वहीं पे आपको ये मिल जाएगा सामने लाल रंग का ये बना। सामने से जा रहे थे, हमको दिख गया, सोचा कि आपको दिखा देते हैं कि पटना में जो है काफ़ी कुछ नया कुछ बन रहा है। तो आपसे फिर से मिलते हैं एक बार और नए ब्लॉग में, तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी, जिसको हम नाम दिए हैं बेल बाबा, उनको भी बजा दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और एक बात और, अगर आप यात्रा करते हैं बाइक से तो हेलमेट का प्रयोग करें, बिना हेलमेट का यात्रा करना खतरनाक है।